नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री अकेडमी के यूट्यूब चैनल में और मैं गिरिराज सर। आज हम बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। हमने अभी तक जो पहले जो ऑनलाइन लेक्चर डाले थे उसमें जेनेटिक्स पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे, वो हमने सब पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स पार्ट टू। इसके अंदर हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, फीनोटाइपिक रेशो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशो क्या होता है, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अभी कुछ दिन बाद एपको का एग्ज़ाम है, ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एमटी की पोस्ट है, प्रोडक्शन जो एग्रोनॉमी प्लांट ब्रीडिंग वालों के लिए, तो वहाँ जेनेटिक्स से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिक्स वहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रखती है कि जेनेटिक्स अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अगर जिसकी जेनेटिक्स अच्छी है तो उसका सिलेक्शन पहले होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम। तो हमने पिछली जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर था, क्लासेस जो जेनेटिक्स का फर्स्ट, आप देख लेना, हमारे ऑनलाइन जो हमने डाल दिया था, तो उसमें हमने मेंडल तक पढ़ लिया था कि मेंडल ने मटर के 7 कैरेक्टर पर स्टडी की। तो आइए बात करते हैं, कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के कौन कौन से कैरेक्टर पर स्टडी किए, ठीक है। तो मेंडल ने मटर के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर स्टडी किए। मेंडल स्टडी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी, ठीक है। मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया है। मेंडल ने मटर के कितने, 7 जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है विपरीत विभेद, ठीक है। हिंदी में मेंडल ने मटर पर 7 जोड़ी विपरीत विभेद, हिंदी में कहते हैं हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स डिफरेंट, ठीक है। ऐसे लंबा पोना, ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। तो गार्डन की पी के ऊपर क्या 7 कैरेक्टर की स्टडी करिए। तो आइए देखते हैं हम 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं, मेंडल ने कौन कौन से 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की स्टडी की है, उनमें से प्रभावी कौन सा है, उनमें अप्रभावी कौन सा है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं मेंडल के द्वारा कौन कौन से कैरेक्टर। तो पहला कैरेक्टर लिया गया उसके द्वारा प्लांट हाइट। मेंडल के द्वारा जो पहला कैरेक्टर की स्टडी की गई वो कौन सी की गई, प्लांट हाइट, पादप की ऊंचाई, ठीक है। पादप की ऊंचाई में जो प्रभावी होता है, ठीक है, प्रभावी लक्षण तो होता है लंबा टोल, अप्रभावी लक्षण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्या, इंग्लिश में बोला जाता है रिसेसिव कैरेक्टर, तो वो कौन सा है, पोना, कौन सा है, पोना, ठीक है। तो प्रभावी कैरेक्टर कौन सा है, लंबा, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, लंबा, और अप्रभावी कैरेक्टर या फिर रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, बोना, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर का नाम है पोजीशन ऑफ फ्लावर। सेकंड कैरेक्टर है पोजीशन ऑफ फ्लावर, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्प की स्थिति, हिंदी में कहते हैं हम पुष्प की स्थिति, पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर होता है एक्साइल मीन्स अक्षीय, क्या होता है, अक्षीय, और दूसरा होता है शीर्ष, टर्मिनल मीन्स शीर्ष, ये होता है हमारा रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, एक्साइल होता है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा होता है, तो आंसर है कौन सा होता है, टर्मिनल या शीर्ष होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेप ऑफ पॉड, ठीक है, फली का सेप, फली की आकृति, तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है, फली की आकृति। तो फली, फूली हुई और पिचकी, फूली हुई क्या होती है, फुल क्या होती है, डोमिनेंट कैरेक्टर होती है, और रिसेसिव क्या होता है, पिचकी हुई मतलब कॉन्ट्रास्टेड कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव होता है। चौथा नंबर का कैरेक्टर होता है कलर ऑफ पोड मीन्स फली का रंग, चौथा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है, फली का रंग। तो फली का रंग ग्रीन जो होता है वो डोमिनेंट होता है, येलो जो होता है वो रिसेसिव होता है, ठीक है। शेप ऑफ सीड कलर, ठीक है। अगला जो पांचवा नंबर का कैरेक्टर है बीज का आकार, ठीक है, बीज की आकृति कैसी है, तो गोलाकार, राउंड मतलब गोलाकार, ठीक, और रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, ठीक है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, क्लियर। सिक्स नंबर का कैरेक्टर है कलर ऑफ कोटिलेडन्स, सिक्स नंबर का कैरेक्टर कौन सा है, कलर ऑफ कोटिलेडन्स। तो कोटिलेडन्स का जो कलर होता है, ठीक है, येलो, पीला, ठीक है, और हरा। पीला कैसा है, तो पीला कैसा होता है, जो येलो होता है प्रभावी होता है, और ग्रीन कैसा है, तो अप्रभावी होता है, ठीक है। कलर ऑफ फ्लावर सातवें नंबर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तो आंसर है वॉयलेट, बैंगनी रंग जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, और वाइट जो होता है सफ़ेद वो क्या होता है, वाइट जो होता है सफ़ेद जो होता है अप्रभावी होता है। तो मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर अध्ययन किए। ये 7 कैरेक्टर एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कौन सा प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी होता है, ठीक है। अब ये कैरेक्टर की स्टडी करने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या है,
ठीक है, आइए बात करते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, देखो इफको के एग्ज़ाम में, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के एग्ज़ाम में, या ADA SDO जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वहाँ पर जेनेटिक्स के हमेशा क्वेश्चन आते हैं, मेंडल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप, या फिर RRB NTPC का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, रेलवे का, SI का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो जेनेटिक्स ये मेंडल जो है हमेशा आता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम आगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड की बात करते हैं, बोर्ड साफ कर लेते हैं अच्छे से थोड़ा, इसके बाद ठीक ना, ओके। अब बात करते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, एक संकर, थोड़ा डार्क लिखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक, एक संकर क्रॉस हिंदी में कहते हैं हम, एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखो, जब हम एक जोड़ी कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम एक जोड़ी कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब हम सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं ना, स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, जब हम एक जोड़ी लक्षण की अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। जब एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं उसे हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस एग्जाम्पल। जैसे मेंडल ने एक सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं, प्लांट हाइट, एक कैरेक्टर लिया हमने पादप की ऊंचाई, ठीक है, प्लांट हाइट पादप की ऊंचाई, ठीक है, पादप की ऊंचाई एक लक्षण ले लिया हमने। अब ये पादप की ऊंचाई के दो रूप होते हैं, एक प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है अप्रभावी, ठीक है ना, एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी, है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो प्रभावी कौन सा होता है, टॉल, लंबा, ये प्रभावी लक्षण होता है, और ये होता है बोना, ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ जो होता है वो क्या होता है, अप्रभावी लक्षण। तो हमने एक लक्षण ले लिया प्लांट हाइट, कौन सा, डोमिनेंट, टॉल और ड्वार्फ, अप्रभावी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी स्टडी करना है, तो हमने क्या किया, दो पेरेंट के बीच क्रॉस कराया कि ये पेरेंट है, ठीक है ना, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इसको हम मान लेते हैं कि ये फीमेल है और ये कौन सा, मेल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर जब दोनों कैरेक्टर एक जैसे, मतलब कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल, तो इधर से आएगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी इधर से आएगा, ये जो जनरेशन है इसको कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं हम इसे, F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन में क्या आएंगे, लंबे, सभी लंबे प्लांट आएंगे, टोल, F1 जनरेशन में सभी क्या आएंगे, लंबे प्लांट आएंगे, टोल, क्लियर। अब हमको क्या करना है, F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन निकालते हैं हम सेल्फिंग से। सेल्फिंग का मतलब होता है कि इसी का क्रॉस, इसी प्लांट का क्रॉस इसी, ठीक है, मतलब जो प्लांट है पोलन ग्रहण, इसी के पोलन ग्रहण का इसी की स्टिग्मा के साथ क्रॉस कराना, जिसको हम कहते हैं सेल्फिंग। तो हमको F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगी, सेल्फिंग। F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करना है हमको, सेल्फिंग, स्व परागण, ठीक है, क्या करना है, स्व परागण करना है, ठीक। F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करना है, स्व परागण करना है। तो स्व परागण देखो कैसे, इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही करना है। तो कर के देखते हैं अपन, ठीक है, यहाँ देखते हैं इस तरफ, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस
इस कैपिटल टी स्मॉल टी का, ये वाला जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, तो इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी इसका इसके साथ, इसका फिर इसके साथ, और इसका इसके साथ। तो आपको देख रहे हैं एक कैपिटल टी कैपिटल है, दो ये हैं और एक ये है, मतलब ये वाला जो प्लांट है क्या है, लंबा, ठीक है, ये भी क्या है, लंबा, और ये कैसे है, बोना। लेकिन जो पहला लंबा है शुद्ध लंबा है, पहले जो लंबे हैं वो कैसे शुद्ध लंबे हैं, ठीक। तो आपसे ये क्या है, एफ टू जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन आई है, एफ टू जनरेशन, ठीक है, ये कौन सी जनरेशन है, एफ टू जनरेशन। आपने इस तरह बुक्स के अंदर देखा होगा, एफ टू जनरेशन को ऐसे भी निकालते, इधर देखते कैपिटल टी स्मॉल टी चेकर बोर्ड मेथड से, है ना, इस तरह से चेकर बोर्ड मेथड से भी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको इस तरह से लिखें यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से तो चार आए, ठीक है ना, ये टोल, ये ड्वार्फ, सॉरी ये भी टोल और ये ड्वार्फ। तो एफ टू पी डी ये कौन सी जनरेशन है, एफ टू पी डी है, कौन सी जनरेशन है, एफ टू पी डी है। तो इस एफ टू पी डी में आपको कितने प्लांट लंबे देख रहे हैं, तीन, एक दो तीन। तो फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो कितना होता है, फिनोटिपिक रेशो होता है 3:1, तीन लंबे हैं और एक बोना है, तीन लंबे हैं और एक क्या है, बोना है। और जीनोटिपिक रेशो कितना है, जीनोटिपिक रेशो की बात करते हैं हम, तो जीनोटिपिक रेशो कितना है, 1:1, ठीक है, जीनोटिपिक रेशो कितना है, एक दो एक, ठीक है, जीनोटिपिक अनुपात कितना है, एक अनुपात दो अनुपात एक। कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार, स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशो कितना है, तो आंसर है जीनोटिपिक रेशो 1:1 और फिनोटिपिक रेशो, ठीक है, यहाँ पर एक बार देखते हैं हम जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपसे पूछेंगे एग्जाम में जीनोटिपिक रेशो क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो क्या है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको बताना है, फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो, ठीक है, फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो 1:1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तीन लंबे, ठीक है ना, और एक बोना, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये क्या होता है, जीनोटाइप रेशो। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है फिनोटाइप रेशो कितना होता है, जीनोटाइप रेशो कितना होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशो 1:1, फिनोटाइप रेशो होता है 3:1। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन क्या है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, वो सब जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन है। तो हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन की, ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या क्या कंक्लूजन है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कौन कौन से कंक्लूजन है उनकी बात करते हैं। ठीक है ना, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के देखो पहला कंक्लूजन है प्रभाविता का नियम। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पहला जो कंक्लूजन है उसका नाम है प्रभाविता का नियम। ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कौन सा है, तो अब पढ़ने वाले हम निष्कर्ष, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष, ठीक है ना, इसके कौन कौन से निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो कंक्लूजन होते हैं, पहला कंक्लूजन है प्रभाविता का नियम। पहला कौन सा है, प्रभाविता का नियम, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो देखो अभी हमने क्रॉस कराया था, ठीक है, क्रॉस के अंदर हमने क्या देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी जब इसका क्रॉस कराते हैं तो ये बनता है, F1 जनरेशन में क्या मिलता है हमको, F1 जनरेशन में मिलता है कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है।
तो मीन्स F1 जनरेशन में देखो जोड़ी के दोनों कार आगे, ये डोमिनेंट है, कैपिटल टी क्या है डोमिनेंट फैक्टर है, स्मॉल टी क्या है रिसेसिव, स्मॉल टी क्या है रिसेसिव है, जोड़ी के दोनों कारक मिलते हैं डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। लेकिन हमको जो प्लांट नज़र आते हैं वो कैसे लिखते हैं, लंबी टोल, मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि F1 जनरेशन में F1 पीढ़ी में जोड़ी के दोनों कारक होते हैं, F1 जनरेशन में जोड़ी के दोनों कारक उपस्थित होते हैं, मतलब F1 पीढ़ी में जोड़ी के दोनों मतलब पेयर के दोनों फैक्टर हैं, डोमिनेंट भी है रिसेसिव भी है। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को क्या करता है पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है, ये जो है क्या करता है पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है, ये पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। मीन्स अप्रभावी जो कारक होता है रिसेसिव फैक्टर है, अप्रभावी कारक जो है प्रभावी कारक की उपस्थिति में अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो F1 में सभी प्लांट किसके अकॉर्डिंग आते हैं, प्रभावी के अकॉर्डिंग। सभी प्लांट कैसे दिखते हैं, लंबे, इसी को क्या कहते हैं प्रभाविता का नियम, कैसे इसी को क्या कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो बुक्स वगैरह में कैसा लिखा होता है कि F1 पीढ़ी में जोड़ी के दोनों कारक उपस्थित होते हैं, भिन्न कारक, लेकिन प्रभावी कारक अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है, अप्रभावी कारक अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसी को हम क्या कहते हैं प्रभाविता का नियम कहते हैं, कि प्रभावी कारक की उपस्थिति में अप्रभावी कारक अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, इसी को हम क्या कहते हैं प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्लियर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ होता है कौन सा, पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम, ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, क्या कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको प्यूरिटी, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। ठीक, अब देखो बात करते हैं क्या होता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। ठीक, आइए इधर देखिए क्या होता है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने आपको बताया था अभी गैमेट्स बने थे, तो एक गैमेट क्या बने था कैपिटल टी वाला और एक गैमेट क्या बना था स्मॉल टी। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है मीन्स गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, युग्मकों का निर्माण किससे होता है, अर्धसूत्री विभाजन से होता है, मियोसिस से होता है, मियोसिस की एनाफेज, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट, वहाँ पर होता है कारकों का पृथक्करण। फैक्टर्स जो अलग अलग होते हैं डिफरेंट होते हैं ना, अलग अलग, एक स्पोल पर जाता है एक स्पोल पर आता है, वो किस में होता है एनाफेज फर्स्ट में। क्या होता है लो सेग्रीगेशन, क्या होता है युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों कारक यादृच्छिक रूप से क्या हो जाते हैं अलग, हम बाद में भी इंग्लिश में समझेंगे पहले हिंदी में समझ लेते हैं। युग्मक निर्माण के समय जोड़ी के दोनों कारक मतलब प्रभावी कारक अप्रभावी कारक यादृच्छिक रूप से क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। युग्मक को प्रत्येक युग्मक को जोड़ी का केवल एक ही कारक प्राप्त होता है, प्रत्येक युग्मक को जोड़ी का केवल एक ही कारक प्राप्त होता है। तो युग्मक हमेशा किसी की हमेशा ये कैसा होगा शुद्ध लंबा, ये क्या होगा शुद्ध लंबा, ये क्या होगा शुद्ध बोना। तो युग्मक किसी भी लक्षण के लिए हमेशा कैसे होते हैं, युग्मक किसी भी लक्षण के लिए हमेशा शुद्ध होते हैं, इसलिए इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मक हमेशा गैमेट हमेशा किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन बोथ द फैक्टर्स रैंडमली सेपरेटेड, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन बोथ द फैक्टर्स आर रैंडमली सेपरेटेड एंड गोज टू डिफरेंट गैमेट्स, दोनों अलग अलग गैमेट्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, एंड ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर, ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर, सो गैमेट्स आर प्योर फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के लिए गैमेट्स क्या होते हैं हमेशा प्योर होते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या होता है देखो ये दो हैं, ठीक है ना, ये जोड़ी के दोनों कारक हैं। ठीक है,
अब ये समझ ले कि भाई ये दोनों भाई हैं, अब क्या होगा बड़े हो गए, अब ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है ना। ये दोनों एक ही साथ रहते थे, जब इनकी शादी हो गई तो ये दोनों क्या हो गए अलग अलग हो गए। ऐसा ही होता है यहाँ पर, ये जोड़ी के दोनों कारक होते हैं। जब क्या होता है गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये एक इस गैमेट में चला जाता है, एक उस गैमेट में, मतलब अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। तो गैमेट को हमेशा केवल एक ही फैक्टर प्राप्त होता है, इसी को हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। क्लियर, ये समझ में आया होगा, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ये दो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, एक कौन सा प्रभाविता का नियम, एक कौन सा यगमकों की पृथक्करण का नियम या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे, फिर हम अब आगे बात करते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, ठीक है। तो देखते हैं हम बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, ये एग्जाम हर एग्जाम में आता है कि बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस, ठीक है, देखो बैक क्रॉस क्या होता है, बात करते हैं कि ये F1 था कैपिटल T, अभी हमने कैपिटल T कैपिटल T इंटू स्मॉल T का क्रॉस कराया था, तो ये F1 था, ये क्या था F1 था, ठीक है। इस F1 का अपनी किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना, ठीक है, F1 इज क्रॉस्ड एनी ऑफ देयर पेरेंट्स, क्या होता है F1 का किसी भी जनक से किसी भी पेरेंट से क्रॉस, उसमें बोला नहीं ये कैसा है डोमिनेंट, ये कैसा है प्रभावी, डोमिनेंट ये कैसा पेरेंट है अप्रभावी, लेकिन ऐसा बोला नहीं गया है कि प्रभावी से कराना है कि अप्रभावी, लेकिन क्या बोला गया किसी से भी, ठीक है ना। बैक क्रॉस का मतलब कि F1 का उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना, F1 का, ठीक है ना, F1 का किसी भी पेरेंट से क्रॉस, F1 का किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराना क्या कहलाता है बैक क्रॉस कहलाता है। अब बोलेंगे सर आप कि F1 का ऐसा आ गया कि इस F1 का प्रभावी जनक से क्रॉस कराएं तो इसको क्या कहेंगे, अप्रभावी का से कराएं तो क्या कहेंगे। तो बैक क्रॉस के दो टाइप्स होते हैं, बैक क्रॉस के दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स, ठीक है। बैक क्रॉस के कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। पहला होता है आउट क्रॉस, पहला कौन सा होता है आउट क्रॉस, ठीक है। आउट क्रॉस का मतलब F1 का प्रभावी जनक से क्रॉस, ठीक है, डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस, किससे, डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करना क्या कहलाता है आउट क्रॉस, मीन्स कैपिटल T स्मॉल T का क्रॉस कैपिटल T से करना, ठीक। दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस, दूसरा क्या होता है F1 का अप्रभावी जनक से क्रॉस, F1 का अप्रभावी जनक से क्रॉस करना, ठीक है। F1 का अप्रभावी जनक से मीन्स कैपिटल T स्मॉल T कैपिटल T यहाँ पर अप्रभावी जनक, ये F1 जनरेशन है, ठीक है ना। ये क्या F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, ये अप्रभावी जनक है। तो F1 जनरेशन का अप्रभावी जनक मीन्स रेसे से पेरेंट से क्रॉस कराना क्या कहलाता है, रेसे से पेरेंट से क्रॉस कराना टेस्ट क्रॉस, और डोमिनेंट से क्रॉस कराना क्या कहलाता है आउट क्रॉस कहलाता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो क्या होता है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, ठीक है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो क्या होता है। देखो अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे हम, तो कैपिटल T गैमेट बनेंगे, इधर से क्या बनेगा सिर्फ स्मॉल T। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो केवल एक ही आता है, जब दोनों अलग होते हैं तो ये भी गैमेट बनाएंगे ये भी, तो यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल T और यहाँ पर स्मॉल T स्मॉल T। तो मतलब 50% प्लांट क्या है लंबे और 50% प्लांट क्या है बोने, तो मतलब रेशो कितना आया 1:1। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछा है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, आंसर आएगा 1:1 और बच्चे लगाते हैं 3:1, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में पूछा है मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो, अगर एग्जाम में क्या पूछा है मोनोहाइब्रिड, ठीक है, फिनोटिपिक रेशो पूछा है तब आंसर लगाना है 3:1, जीनोटिपिक रेशो पूछा है तो लगाना है 1:1।
लेकिन एग्जाम में पूछा गया मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, एग्जाम में क्या पूछा गया है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, तब आंसर लगाना है 1:1। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया हुआ सारी चीज़ें। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को बताएं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, हमारे अभ्यास एग्री अकेडमी की गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है। अभ्यास एग्री अकेडमी की गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, जहां पर ADA AFO NSC EPCO सभी की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। आपको एक मैसेज करना है कि हमको फ्री डेमो क्लासेस लेना है, किसके लिए, AFO का बैच सेपरेट है, ADA का बैच, SADO और NFL, NSC, EPCO इन सभी के बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, आप दे सकते हो, JRF इन सभी की क्लासेस अवेलेबल है, आप फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।